फैमिली, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सो आप देख रहे हैं यहाँ पे सुबह का ब्रेकफास्ट बन रहा है और यहाँ पे मैं कर रही हूँ दाल को फ्राई, साइड में बना रही हूँ मैं चाय। और जैसे सुबह का ब्रेकफास्ट मैं आपके साथ हमेशा शेयर करती हूँ, यहाँ पे बन रही है हरी धनिया के पत्ते की चटनी। पर्सनली सबको घर में बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं इसे एवरी डे बनाती हूँ। ऐसे मैं ढेर सारा बना देती हूँ तो 2 दिन चलता भी है, नहीं तो एवरी डे मैं इसे बनाती भी हूँ। और जब इसे तैयार कर लेते हैं, क्योंकि सुबह में बहुत ज़्यादा काम रहती है तो कभी कभी मैं भूल भी जाती हूँ। और हाँ, एक और बात कहना था आप लोगों से कि अगर आप लोग मुझे, बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि इंस्टा का आईडी बताइए, सुपर मम 687 से मेरा इंस्टा का आईडी है और उसमें मैं बहुत सारे रील्स शेयर करती हूँ, डांस की वीडियो शेयर करती हूँ। और आप लोग को अगर देखना है तो प्लीज़ सुपर मॉम 687 से इंस्टा मेरा आईडी है, वहाँ पे जाकर आप उसे फॉलो कर सकते हैं। प्लीज़ फॉलो जरूर कीजिएगा। चाय भी यहाँ पे बन रही है और मैं पीऊँगी चाय, क्योंकि सुबह का जो चाय होता है ना, वो मैं पी नहीं पाती हूँ। चाय मेरी हो जाती है ठंडा, क्योंकि सुबह में होते हैं बहुत सारे काम। तो अब मैं पीऊँगी चाय, मैं और माँ चाय पियेंगे, क्योंकि बच्चे चले गए हैं स्कूल, हस्बैंड चले गए हैं ऑफिस। और नहीं, हस्बैंड अभी हैं, सॉरी मैं भूल गई थी, हस्बैंड अभी घर पे ही हैं, ऑफिस नहीं गए हैं, क्योंकि वो तो नाश्ता प्रॉपर करके ही जाएंगे, तो मैं उन्हीं के लिए सब जल्दी जल्दी बना रही हूँ। तो ये सब बन रहा है, चटनी बन चुकी है, मैं चाय भी पीऊँगी, उन्हें नाश्ता भी दूंगी। यहाँ पे आलू बंधा की जो हल्का सा हल्दी और नमक डाल के भुजिया, क्योंकि रात का डिनर सबने बहुत हैवी किया था, इसलिए सबकी फरमाइश ये थी कि सुबह का जो खाना है, नाश्ता है, वो हल्का होना चाहिए, लाइट सा होना चाहिए, नहीं तो हो जाती है सबको पेट की प्रॉब्लम, सबसे पहले तो मुझे ही होती है। तो दाल यहाँ पे फ्राई मेरी हो चुकी है और चाय भी बन गया है, तो चाय भी पीऊँगी मैं, सबको नाश्ता भी दूंगी। फिर दोबारा की भी चाय में बहुत, मतलब वो नहीं होता है कि हम लोग एक जगह बैठ के ही पिए, बहुत कम ही हो पाता है। तो चलिए, नाश्ता रेडी हो चुका है, अब जिन्हें जाना है वो लोग नाश्ता करें, खाना खाएं और ऑफिस जाएंगे, और हम लोग बैठ के चाय पियेंगे। तो उस दिन मैं गई थी मार्केट, क्योंकि मेरी आ रही है एनिवर्सरी और उस दिन मुझे करना था शॉपिंग एनिवर्सरी को लेकर। जो लोग पटना के होंगे उनको पता होगा कि कौन सा एरिया है, अगर आपको पता है ना तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कौन सा मार्केट है, कौन सा एरिया फेमस मार्केट है पटना का। जो लोग पटना के होंगे उनको पता होगा। सो आई होप आप लोग को अच्छा लगे, अगर ये वीडियो अच्छा लगे, मेरा ब्लॉग आप लोग को अच्छा लग रहा है ना, तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड।